आइए अब एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें साक्षरता दर का मीन ज्ञात करना है, जबकि टेबल के पहले रो में साक्षरता दर परसेंटेज में दी हुई है, जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका क्लास साइज h=10 है। और सेकेंड रो में नगरों की संख्या दी हुई है, जिसके टोटल सम क्वेश्चन में गिवन है 35। इसे हम समेशन ऑफ fi भी कह सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले xi निकालेंगे। xi = अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम x1 निकाल सकते हैं। x1 मतलब पहले इंटरवल का, x1 मींस पहले इंटरवल का क्लास मार्क। तो हमारा पहला इंटरवल है 45 to 55 45 plus 55 upon 2 is equal to 100 upon 2 is equal to 50। इसी तरह हम x2 निकाल सकते हैं। x2 मतलब सेकेंड इंटरवल का वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। x2 is equal to 55 plus 65 upon 2 is equal to 120 upon 2 is equal to 60। इसी तरह हम x3 निकाल सकते हैं। x3 is equal to 70, x4 is equal to 80 and x5 is equal to 90। अब हमें इसका मीन निकालने के लिए एक प्रोडक्ट की जरूरत है, जो कि xi और fi का प्रोडक्ट होगा। इस प्रोडक्ट को हम एक टेबल में रखेंगे। आइए पहले एक टेबल ड्रॉ करें। आइए पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में चार कॉलम है। फर्स्ट कॉलम साक्षरता 10% में दिखाता है, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ सिटीज यानी शहरों की संख्या है, जो कि fi है। तीसरा कॉलम हमने निकाला है क्लास मार्क, जो कि xi है। और चौथा कॉलम ये भी हमने निकाला है, xi और fi का प्रोडक्ट। हम देख सकते हैं कि fi का पहला टर्म 3 इंटू xi का पहला टर्म 50 इज इक्वल टू xi fi का पहला टर्म 150। इसी तरह 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600, 11 इंटू 70 इज इक्वल टू 770। इसी तरह हम xi fi के बाकी टर्म निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वैसे अगर हम नंबर ऑफ सिटीज के हर टर्म यानी fi के हर टर्म को प्लस ऐड करेंगे तो हमें 35 भी मिलेगा। इस 35 को हम समेशन ऑफ fi भी कह सकते हैं। इसी तरह 2430 इसे हम समेशन ऑफ xi fi भी कह सकते हैं। अगर हम xi fi के हर टर्म को ऐड करें 150 प्लस 600 प्लस 770 प्लस 640 प्लस 270 तो ये 2430 ही आएगा। तो हम जानते हैं माध्य प्रत्यक्ष विधि से मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 2430 डिवाइडेड अपॉन 35 इक्वल टू 69.4। अतः रिक्वायर्ड मीन है 69.4। सो रिक्वायर्ड मीन इज 69.4।